हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ वायरल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रियलमी C3 वर्सेज रेडमी 8 का फुल कंपैरिजन मैं आपके सामने करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपको अपना खुद का ओपिनियन बताऊंगा आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। तो रियलमी C3 में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, एक IPS LCD डिस्प्ले और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों रेडमी 8 की, तो इसमें आपको 6.22 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में रियलमी C3 बेहतर है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें प्रोटेक्शन की तो इसके मामले में रेडमी 8 बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो रियलमी C3 में आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर मीडिया टेक का हीलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें जो आपका GPU मिलता है वो माली का G52 वाला मिलता है। वहीं पर बात करते हैं रेडमी 8 की, तो इसमें भी आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 439 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है और दोस्तों इसमें आपको जो GPU मिलता है वो एड्रेनो का 505 वाला मिलता है। दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में रियलमी का C3 बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरा की। तो रियलमी C3 में आपको पीछे की तरफ 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और आगे की तरफ आपको जो कैमरा मिलता है वो 5 मेगापिक्सल का मिलता है। दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं रेडमी 8 की, तो इसमें भी रियर में 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसमें जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है। दोस्तों, कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन में नॉर्मल मिलती है। रियर कैमरा रियलमी C3 में ज़्यादा अच्छा है और फ्रंट कैमरा जो है वो रेडमी की 8 में ज़्यादा अच्छा है। वो दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो रियलमी C3 में आपको फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों रेडमी 8 की, तो इसमें आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलता है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। दोस्तों, रेडमी के 8 में फिंगरप्रिंट सेंसर होने की वजह से ये सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं अब बैटरी की। तो रियलमी C3 में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी और इसमें जो आपको बॉक्स में चार्जर मिलता है वो 5V 2A का मिलता है। और इसकी पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको USB 2 माइक्रो USB का सपोर्ट मिलता है एंड इसमें आपको 10W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं पर बात करें दोस्तों रेडमी 8 की, तो इसमें भी आपको 5000 mAh का बैटरी, 5V 2A का चार्जर बॉक्स में मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको USB 2 Type-C का सपोर्ट मिलता है और दोस्तों इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, इसमें आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने के कारण ये ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको Type-C पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इस मामले में रेडमी का 8 बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं OS एंड्रॉयड वर्सन की। तो रियलमी C3 में आपको रियलमी का न्यू UI 1 मिलता है और जो कि बेस्ड है Android 10 पर। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों रेडमी 8 की, तो इसमें आपको जो OS मिलता है वो MIUI 11 मिलता है जो कि बेस्ड है Android 9 पर। दोस्तों, रियलमी C3 का रियलमी UI एंड एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट होने के कारण ये ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रैम रोम एंड प्राइस की। तो रियलमी C3 में आपको 2 वेरिएंट मिलता है, 4GB 64GB एंड 3GB 32GB। दोस्तों, 4GB 64GB वाले का प्राइस है 7999 रुपीज़ और 3GB 32GB वाले का प्राइस है 6999 रुपीज़। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों रेडमी 8 की, तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB 64GB जिसका प्राइस है 7999 रुपीज़। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले और बेस्ट रियर कैमरा एंड पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना है तो आपको रियलमी का C3 बाय करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, Type-C पोर्ट एंड आपको फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए तो आप रेडमी का 8 ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो आपको रियलमी का C3 ही लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करता हूं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।